ये वीरेंद्र भाई हैं। वीरेंद्र भाई हाय बोलिए कैमरा में। तो ये वीरेंद्र भाई हैं, इन्होंने ही हमें टेस्ट राइड करवाई है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। वी हैव गॉट अ न्यू सब्सक्राइबर भाई, ये हमारा चैनल। राइट, सो आई एम एट निर्माण TVS टू टेस्ट राइड दिस BS6 जुपिटर विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। और पहले राइड पे चलते हैं, आपको अपना इम्प्रेशन देता हूँ। तो ये है BS6 जुपिटर। सस्पेंशन क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है और राइडिंग पॉस्चर बहुत अच्छा है। इनिशियल पिकअप इज नॉट दैट ग्रेट। सो BS6 जुपिटर में यार ऐसे मुझे लग रहा है कुछ चेंज ही नहीं किया इन्होंने, सिर्फ पार्ट ड्रॉप हुआ है। और गाड़ी ओवरऑल यार दिस इज एग्जैक्टली सेम, शायद एक चार्जिंग पोर्ट के साथ आ रही है। एंड यू गेट दिस कभी होल नाउ जिसमें अगेन आप एक और मैगी रख सकते हो अगर आप कहीं जा रहे हो तो। सो ये सीन है। और यार मुझे लग रहा है कि गाड़ी में कुछ खास चेंज नहीं करा है। मिड रेंज इज वेरी नाइस, गाड़ी का मिड रेंज परफॉर्मेंस इज गुड। एंड यार स्विच गियर क्वालिटी यार दिस इज एग्जैक्टली द सेम, जो भी है ये एग्जैक्टली सेम है पहले वाले जुपिटर की तरह ही है, कुछ मुझे खास फर्क लग नहीं रहा इसमें। और गाड़ी का इंजन जो है उसमें आई गेस पहले से थोड़ा सा पार कम हुआ है, बट वो भी आपको फील नहीं होगा क्योंकि यार मुझे उतना फील नहीं हो रहा है। इनिशियल जो गाड़ी का पिकअप है, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, वो थोड़ा सा डल है और ये शायद हमेशा से ही था। और बहुत स्मूथ हो गई है पहले से, हाँ ये मैं बोलूँगा। वाइब्रेशन हैंडल बार पे थोड़े से हैं, फुटबोर्ड स्पेस काफ़ी अच्छा है, हैंडल बार पे थोड़े से वाइब्रेशंस हैं। गाड़ी पहले से रिफाइंड हो गई है अपने BS6 अवतार में। सो या दिस इज़ होंडा जुपिटर फॉर यू, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट राइड। मैं चाहता था इसे आगे लेके जा सकता था बट बताने के लिए कुछ था ही नहीं। अब आपको एक क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो इसमें लाइट का स्टार्टर स्विच नहीं है, आप लाइट जो है इसमें वो ऑन हो जाती है स्टार्ट करते ही। तो ये लाइट इसमें ऑन हो जाती है स्टार्ट करते ही। और LED लाइट है, फ्रंट LED लाइट है, ये मैट सिल्वर फिनिश में नॉर्मल जुपिटर है ये, विदाउट डिस्क ब्रेक। ये कॉम्बी ब्रेक में आती है ड्रम ब्रेक्स के साथ। फिर फुटबोर्ड स्पेस काफ़ी अच्छा है। एंड ये मोबाइल के लिए मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं है बट आप अलग से लगवा सकते हैं। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप हमेशा से ही था जुपिटर में। और आवाज़ जो जुपिटर पहले हल्की सी से ज़्यादा आवाज़ करती थी, अब बहुत कम आवाज़ कर रही है, पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो गई। आपका 90-90-12 आगे में है और पीछे में शायद 90-90-10 होगा या 100-90-10। एक सेकेंड पीछे में टायर साइज देख लेता हूँ। हाँ पीछे में पी नहीं पीछे भी ओके, आपका पीछे भी 12 इंच का टायर है। सो दिस इज़ होंडा जुपिटर फॉर यू। पीछे भी 12 इंच का है, आगे भी 12 इंच का है। CVTi BS6 ऑल राइट, दिस इज़ अ BS6 जुपिटर। दिस वॉज BS6 जुपिटर फॉर यू गाइज, नथिंग हैज चेंज मच। यहाँ पे जो एक दूसरा वेरिएंट आता है, मैं आपको अंदर चल के वो वेरिएंट दिखाता हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे एक डिजिटल कंसोल मिलता है बट वो जुपिटर ग्रैंड में मिलता है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएंट विदाउट डिस्क ब्रेक। तो आपको मैं चल के आप दिखाता हूँ, इसमें काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं तो मैं आपको अंदर चल के वेरिएंट्स दिखाता हूँ कि कौन कौन से वेरिएंट्स हैं इसमें।
दिस इज़ द स्टैंडर्ड जुपिटर जो अभी मैं चला के आया। इसमें आपको एक फुल एनालॉग डिस्प्ले मिलता है विद इको एंड पावर इंडिकेटर और लो फ्यूल वार्निंग के साथ, और आपका पूरा ही एनालॉग में है, कोई ट्रिप मीटर नहीं है, एक सिंगल ओडोमीटर है इसमें। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड जुपिटर विद अलॉय व्हील्स। तो आगे पीछे दोनों में 12 इंच का है, तो ये मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। गुड जॉब टीवीएस कि कोई भी जापानीज मैन्युफैक्चरर या कोई भी और कंपनी पीछे में 12 इंच का टायर नहीं दे रही। देन दिस इज़ जुपिटर ग्रैंड, तो इसमें यू गेट दिस वेरी कूल एंड वेरी गुड लुकिंग अलॉय व्हील्स विद दिस सिल्वर इंसर्ट एंड अ वेरी गुड डिस्क ब्रेक। ये एंटॉर्क वाला डिस्क ब्रेक नहीं है, दिस इज़ नॉट द वन विच यू हैव ऑन द एंटॉर्क। सो इसमें भी टीवीएस के टायर हैं एंड दिस इज़ जुपिटर ग्रैंड एडिशन। वेरी नाइस मैट पेंट जॉब एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट, वेरी वेल कुशन्ड सीट। इसमें आपको मिल जाता है स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर, इट इज़ क्लियरली मैंशनड हियर, एंड आप इसमें एक पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग कंसोल मिलता है। देन यू हैव दी अदर वेरियंट विच इज़ दी जुपिटर क्लासिक, यू हैव दी जुपिटर क्लासिक हेयर। इसमें भी अलॉय व्हील्स हैं लेकिन इसमें वो सिल्वर इंसर्ट नहीं मिलेगा आपको। हेयर यू हैव अ फुली एनालॉग कंसोल एज ऑन दी स्टैंडर्ड जुपिटर, बट यू हैव अ बैकरेस्ट एंड सीट इज़ नॉट एज कुशन्ड एज ऑन दी जुपिटर ग्रैंड। सो दिस इज़ जुपिटर क्लासिक। इसमें आपको एक विंडशील्ड मिलता है, यू हैव दिस वेरी नाइस लुकिंग क्रोम मिरर्स, क्रोम का क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट। पेंट जॉब, आई पर्सनली लाइक द पेंट जॉब मोर ऑन दी जुपिटर ग्रैंड, इसका पेंट जॉब उतना अच्छा नहीं है। एंड सो या दिस ऑल्सो फीचर्स फुली एनालॉग डिस्प्ले, और जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला फीचर है इसमें सर इसमें एलईडी है या हैलोजन? अच्छा, तो यू गेट द एलईडी हेडलैम्प इन ऑल द BS6 जुपिटर्स नाउ, और यही है, और बस या दिस इज़ TVS जुपिटर फॉर यू।